देखिए, आज शिवसेना के विधायक दल की एक मीटिंग रही मातोश्री पर, और पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे जी ने फिर एक बार अपनी भूमिका, अपनी बात नवनिर्वाचित विधायकों के सामने रखी और उनसे सवाल किया, क्या जो मैं निर्णय लेने जा रहा हूँ या जो चल रहा है, क्या मैं गलत हूँ? तो सभी विधायकों ने एक सुर में कहा कि उद्धव जी, आप सही रास्ते पे जा रहे हैं और आप जो निर्णय लेंगे उसके लिए हम आपके साथ हैं। आप जो भी निर्णय महाराष्ट्र के और पार्टी के हित में लेना चाहते हैं आप बेशक ले सकते हैं। लेकिन सर, डर किस बात की है जो विधायकों को अलग रखा जा रहा है? आपको किसने कहा कि विधायकों को अलग रखा जा रहा है? ये आपके पास गलत जानकारी। मैंने राजभवन के बाहर चंद्रकांत जी पाटिल, सुधीर भाव मुनगीटवार की प्रेस वार्ता को सुना है। बहुत छोटी सी प्रेस वार्ता रही और बार बार वो कह रहे थे कि महाराष्ट्र का जनादेश मैंडेट महायुति को मिला है। अगर महायुति को मैंडेट मिला है तो आप सरकार स्थापन करने का दावा क्यों नहीं करते? आप सबसे बड़ी पार्टी है, आपके पास, आप बोलते हो कि हमारा मुख्यमंत्री होगा, सरकार हमारी बनेगी, तो आप राज्यपाल से मिलकर खाली हाथ बेरंग क्यों लौटे हो? ये पहली बात। दूसरी बात मैं साफ करना चाहता हूँ, महायुति को अगर मैंडेट मिला है तो मैंडेट सिर्फ महायुति को नहीं मिला है। महायुति शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन जब हो रहा था और जो बातें तय हुई थी और जनता के सामने आई थी, उस बातों को भी मैंडेट मिला है। गठबंधन सिर्फ ऐसा नहीं बनता, कुछ बातें तय होती है गठबंधन की कि कौन सी पार्टी क्या भूमिका निभाएगी, उसके ऊपर उनका वोटर एक साथ आता है और मतदान करता है। अगर ये बातें तय हुई थी महायुति की, तो मैंडेट अगर मिला है ये सभी बातों को भी मिला है, ये भूल जाते हैं। अगर शिवसैनिक की बात ये करते हैं तो शिवसैनिक जैसा बर्ताव करो, जो शब्द दिया उसका पालन करो। शिवसैनिक की व्याख्या ये है, प्राण जाए पर वचन न जाए, जो बात हम कहते हैं उसका अमल करते हैं। शिवसैनिक हमेशा सच के रास्ते पर जाता है, शिवसैनिक झूठ है। अगर कोई अपने आप को शिवसैनिक मान रहा है तो शिवसैनिक का संस्कार भी समझ लीजिए। देखिए, मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि 8 तारीख तक विधानसभा की ये मर्यादा है, मुदत है, उससे पहले नए सरकार का गठन होना स्वाभाविक है। अरे यार, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते भी भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना रही, उसका मतलब ये है कि ये पार्टी जो है ये बहुमत नहीं जुटा पा रही है, नंबर एक। और महाराष्ट्र के ऊपर राष्ट्रपति शासन जबरदस्ती से थोपना चाहती है, ये राज्य की जनता का सरासर अपमान है। आप बताइए कि हम सरकार नहीं बना सकते, आप बताइए कि हम अपोजिशन में बैठेंगे? राष्ट्रपति शासन लगाने की परिस्थिति आप जो पैदा कर रहे हो, ये महाराष्ट्र के खिलाफ, छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम आप लेते हो, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो इस मिट्टी में उनका जन्म हुआ है, संविधान के शिल्पकार है, आप उनके खिलाफ जा रहे हो। आप सत्ता की हवा छोड़ दीजिए और बताइए कि हमको सरकार नहीं बनाना है। राज्यपाल से अगर आप मिलकर आए हैं तो ये आपका दायित्व है कि आप 145 का बहुमत की लिस्ट आप राज्यपाल महोदय को देनी चाहिए। आप 2 दिन बाकी है, क्या आपकी ये जो आप ये जो पेच डालना चाहते हैं कि किसी भी हाल में किसी की सरकार या नहीं बननी चाहिए, ये सरासर संविधान के खिलाफ। सत्ता की हवस क्या बीजेपी की है, फडणवीस की है?
मुझे मालूम नहीं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं। अगर बहुमत है तो सरकार स्थापन करो, बहुमत नहीं है तो खुलेआम जनता के सामने आकर बताएं हमारे पास बहुमत नहीं है लेकिन हम भी सरकार नहीं बनाएंगे और संविधान का पेच भी डालेंगे। अब ये खेल पुराना हो चुका है, अब ये खेल ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। संविधान इस देश की जनता का है, देश के लिए बना है। संविधान आपकी जागीर नहीं है। संविधान का हर कानून, हर पेच हमें मालूम है और हम भी संविधान और कानून के दायरे में रहकर इस राज्य में, महाराष्ट्र में शिवसेना का मुख्यमंत्री बनाएंगे। चुनाव नतीजों के बाद क्या विपक्ष में बिठाने की तैयारी में है शिवसेना? नहीं, ये हमारा, ये हमारी भूमिका नहीं है। सबसे बड़ी बड़ी पार्टी बीजेपी है, सरकार बनाने का दावा बीजेपी ने पेश करना चाहिए। बार बार उनके नेता कहते हैं कि मुख्यमंत्री बीजेपी का बनेगा। मैं स्वागत करता हूं उनके आत्मविश्वास का, स्वागत करता हूं। अगर राज्यपाल से मिलकर आए हो तो उनके साथ, आपके साथ अगर 145 विधायकों की अगर आप एक सूची लेकर जाते तो हमें आनंद होता और महाराष्ट्र की जनता को भी आनंद। बीजेपी के पास जैसे अल्टरनेटिव नहीं है तो क्या शिवसेना के पास भी कोई अल्टरनेटिव है या नहीं? हमारे पास अल्टरनेटिव है और हम अल्टरनेटिव के साथ बात नहीं करते। बीजेपी के पास अगर बहुमत होगा तो दो दिन में जाकर राज्यपाल को सूची दीजिए, हम स्वागत करेंगे। रखने का क्या मतलब है अपने एमएलए को राज्यपाल? फिर कहाँ रखना चाहिए? अपने घर में कहाँ रखने चाहिए? अलग अलग अपनी जगह रह सकते हैं, रक्षा में एक साथ रखने का क्या मतलब? देखिए, आपको आपको जानकारी नहीं है, महाराष्ट्र में जो नए विधायक आए हैं अब तक उनको अपना क्वार्टर अलॉट नहीं हुआ है। कोई विदर्भ से आता है, कोई मराठवाड़ा से आता है, कोई और किसी जगह से आता है, उनको उनको दो तीन दिन रहना है। मनोरा जो एमएलए हॉस्टल है वो तोड़ दिया है, नए एमएलए को अब तक उनका घर नहीं मिला है, जो सरकारी घर उनको मिलता है। ऐसे में पार्टी की जिम्मेदारी है जो मुंबई में नया एमएलए आता है उनका रहने का खाने का कोई व्यवस्था करें। अगर आप उनको भी कहते कि कोई राजनीति है तो ये गलत है।